सो एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओडी के. ओके सो अगेन इस अगर इक्वेशन को देखे तो इसमें भी हमारे दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ए एंड बी. स्टेप्स मैं पिछले इक्वेशन में बता चुका हूं. सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट उतनी बार इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जो राइट हैंड साइड में होता है एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया. ई एक्स वैसे का वैसी, सो दो टर्म होती है ना, कि अगर दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म वैसे का वैसी, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एंड देन सेकंड टर्म वैसे की वैसी एंड फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, राइट. सो वैसी ई एक्स वैसे का वैसी ए कॉस एक्स का हो जाएगा. ए कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी. साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, सो बी कॉस एक्स. ओके आगे चले, ये हो गया हमारी इक्वेशन वन, दिस इज आर इक्वेशन टू एंड अब हम निकाल रहे हैं कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू. ओके अभी आगे इसका सेकंड पार्ट बचा है. सो हमने फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन किया, देन सेकंड पार्ट वैसे का वैसी दैट इज ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स वैसे का वैसी एंड फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन. सो ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई एक्स जो हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ा है. सो अब अगर तुम देखो तो ये टर्म वापस हमारी वाई है. सो हमारा कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई. ठीक है, इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर. ओके एंड ई एक्स फर्स्ट टर्म वैसे का वैसे ही, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी, बी को ज्यादा भी नहीं लग गए, सो बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स. सो ये प्लस मैं हटा रहा हूं एंड इसकी जगह डाल रहा हूं माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड टर्म वैसे की वैसी दैट इज ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वैसे का वैसी एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन ई एक्स देन प्लस कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स. ये हो गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन. सो ये होगी हमारी इक्वेशन थ्री, ये होगी हमारी इक्वेशन थ्री. सो हम क्या कर रहे हैं, ई एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, बेसिकली मैंने माइनस साइन दोनों में से बाहर निकाल लिया. ओके दोनों में से मैंने माइनस साइन बाहर निकाल के इधर रख दिया, देन प्लस ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स. माइनस ये सारी टर्म हमारी वाई ही तो है, सो प्लस ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर. ओके सो आगे चलते हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये हमारी इक्वेशन थ्री है. ठीक है, इस इक्वेशन को बोल जो ये थर्ड नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जिसके बाद हमारी इक्वेशन थ्री ये बन गई. ओके एक तरीका ये है कि एलिमिनेट कर दूं, दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका यह है कि दोनों को माइनस कर दो. सो थ्री माइनस टू कर देता हूं सो दैट मेरी इक्वेशन के आधे टर्म्स गायब हो जाए. ओके सो मैं अब थ्री माइनस टू कर रहा हूं, मेरा कुछ स्क्रीन पे कर्सर वो रोक नहीं रहा था सो इसलिए वो इश्यू आ गया था. कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स, थ्री को टू से माइनस कर रहा हूं, ये इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर रहा हूं. ओके इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस, पहले मैं थर्ड इक्वेशन वैसी की वैसी लिख रहा हूं जैसी है ये, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स, देन माइनस सेकंड इक्वेशन जो कि है मेरी माइनस ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बी कॉस एक्स माइनस वाई. चलो काटे
सो अगर हम देखें तो कर्ल स्क्वायर बाय बाय कर्ल एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 dy/dx हो जाएगा। जो राइट हैंड साइड वाला dy/dx है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 2y एंड ये दो टर्म आपस में एक दूसरे से कट गई, ये बन गई हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें ना हमारा a है ना हमारा b है। सो कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर्ल y बाय कर्ल एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा है, जितने हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर दो, देन 3 - 2 कर दो एंड 2 - 1 कर दो, दोनों में से एक एक इक्वेशन निकलेगी। इसमें हमारा डायरेक्ट निकल गया था तो इसलिए इजी पड़ गया, नहीं तो दोनों में से एक एक इक्वेशन निकलेगी जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे एंड हमारा फाइनल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है। इसमें हमारा डायरेक्ट इसलिए निकल गया क्योंकि हमने वाई पहले ही ले लिया था, इधर हमने इसको वाई पहले ही ले लिया था, किधर, यहाँ यहाँ हमने इसको वाई पहले ही ले लिया था, जिसकी वजह से हमने पहले ही इधर 2 के अंदर फर्स्ट इनपुट डाल दिया, 2 के अंदर फर्स्ट का सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले ही लगा दिया था, इसलिए हमने बाद में हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप इतना सबको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अच्छा लगे जरूर लाइक करना।